महंगाई के तड़के के बीच अब मोबाइल से बातचीत भी महंगी हो गई है। देश की तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ को 20 से 25 फीसदी तक महंगा कर दिया है। टैरिफ हाइक सभी प्रीपेड प्लान में किए गए हैं, लेकिन बेस प्लान में अच्छी खासी बढ़ोतरी ने आम कस्टमर की जेब हल्की करने का काम किया है। सस्ते टैरिफ की बात करें तो 28 दिन के जियो का 75 रुपए वाला बेस प्लान अब 91 रुपए का हो गया है। वहीं एयरटेल और वोडाफोन के बेस प्लान 79 के रिचार्ज के लिए अब 99 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं जियो के 2 GB पर डे के 28 दिन के रिचार्ज के लिए अब 299 रुपए देने होंगे, जबकि एयरटेल और वोडाफोन के ग्राहकों को इसके लिए 359 रुपए खर्च करने होंगे। जियो ग्राहकों को 2 GB पर डे 84 दिन के प्लान के लिए 719 रुपए चुकाने होंगे, तो एयरटेल और वोडा आइडिया के ग्राहकों को इसके लिए 839 रुपए चुकाने होंगे। बात 365 दिन वाले 2 GB पर डे प्लान की करें तो जियो ने इसमें 480 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 2879 रुपए कर दिया है, जबकि एयरटेल ने 3099 और वोडा आइडिया के ग्राहकों को इसी प्लान के लिए 2999 रुपए देने होंगे। एक साथ इन तीनों कंपनियों के टैरिफ के बढ़ने से ये भी आशंका हो रही है कि कहीं कंपनियां कार्टलाइजेशन तो नहीं कर रही। टेलीकॉम कंपनियों ने इससे पहले दिसंबर 2019 में टैरिफ बढ़ाया था। मार्जिन के दबाव से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ हाइक के बाद सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है। हालांकि निजी टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ तो बढ़ा दिया है, लेकिन ग्राहक ये उम्मीद जरूर करेंगे कि इनकी सर्विस में भी आने वाले दिनों में सुधार देखने को मिलेगा। डू नॉट डिस्टर्ब लगाने के बाद भी अनवांटेड कॉल से लोगों को निजात नहीं मिल रही है। स्पैम मैसेज भी आने जारी है और देश के हर कोने तक नेटवर्क होने का दावा करने वाली इन कंपनियों के नेटवर्क दूर दराज के इलाकों में निराश ही करते हैं। साथ ही अगर कंपनियां 2G मोबाइल सर्विसेज को अफोर्डेबल बनाए रखते हुए 4G डेटा प्लान में इजाफा करती है तो शायद इनके आरपूज के ग्राफ में और बढ़ोतरी देखने को मिलती। फिलहाल तो टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कमाई बढ़ाने के साथ साथ अपने कस्टमर बेस को बनाए रखने के लिए सर्विस को ज्यादा बेहतर बनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।